नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टेस्टी मिठाई की रेसिपी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा। ये मिठाई मैंने बिना गैस जलाए बनाया है, या घर का ही कुछ सामानों से ये मिठाई बन के तैयार हो सकता है। इसके लिए हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस ये सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने ब्रेड के स्लाइसेस 6 पीस लिए हैं, मिल्क पाउडर 1 कप, 1 कप नारियल गुंडी, पिसी हुई चीनी, घी और दूध। दूध मैंने यहाँ नॉर्मल दूध लिए हैं। सबसे पहले हम ब्रेड को किनारे से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसके किनारे को कट कर लेंगे। ये मिठाई बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस आप 5 मिनट में इसे बना के तैयार कर सकते हैं। बस इसी तरह से हम सारे ब्रेड के किनारे को कट कर लेंगे और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे कर लिए हैं। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच दूध डालेंगे। इसमें हमें ज़्यादा दूध नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसे इस तरह से मैश करना है हमें, जब तक ये चिकना ना हो जाए। आप ध्यान दे के ही दूध डालिएगा, ज़्यादा दूध हमें इसमें नहीं डालना है, वरना मिठाई नहीं बनेगी। देखिए इस तरह से हम इसे मैश कर लेंगे। देखिए एकदम चिकना हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसमें घी डालेंगे। इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे, नारियल गुंडी डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैंने चीनी जब पीसी थी तभी उसी में डाल के इलायची पीस ली थी। और इसमें 2 चम्मच घी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें दूध दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से इसका बॉल तैयार कर लेंगे, डोई तैयार कर लेंगे। हम इसका चिकना डोई हम बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसका हम थोड़ा इससे 2 हिस्से में बांट लेंगे। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर थोड़ा सा निकाल के रख लेंगे। अब इस हिस्से में आप कोई भी फूड कलर इसमें डाल सकते हैं। हम यहाँ ऑरेंज फूड कलर डाल रहे हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इस हिस्से को हम छोटे छोटे लोइया बना लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इसके लोइया बना के तैयार कर लेंगे। अब इसके हम बड़े बड़े लोई बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम इसे कर लेंगे और इसके बीच में गड्ढा करके और छोटे लोई को हम इसमें डाल देंगे। ये लीजिए, हमारा टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो चुका है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये बहुत जल्दी ही बन जाती है और घर के ही कुछ सामानों से ये मिठाई बनके तैयार हो सकती है। आप घर में अगर मिठाई खाने का मन करे तो आप ये मिठाई तुरंत बना के बच्चों को खिला सकते हैं, बड़ों को भी सर्व कर सकते हैं। कोई भी पर्व त्यौहार में आप ये मिठाई बना के रख सकते हैं। अगर घर में अचानक मेहमान भी आ जाए तो आप ये मिठाई बना के सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह से हम बाकी को भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम 1 कटोरी में थोड़ा सा नारियल की गुंडी लेंगे और इसका इसमें डेकोरेट कर देंगे। इसे गोल गोल घुमा लेंगे और इस तरह से हम इसे रख देंगे।
ये लीजिए हमारा टेस्टी मिठाई बनके तैयार हो चुका है। आप इसे लड्डू बर्फी कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होती है। ये देखिए कितनी अच्छी दिख भी रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।